89 Ray. Case large, total 89. दो तरीके हैं करने, दोनों में से जो आप चूज करना चाहें दोनों कर सकते हैं, सही है, ये अपनी चॉइस पे। ज्यादातर लोग स्विच कैसे यूज कर रहे होते हैं इस चीज के लिए, लेकिन ये अपनी चॉइस पे, जो आपको इजी लगे करने के लिए। तो हम भी भले वही वाला कर लेते हैं जो आपने इस्तेमाल किया अभी तक, ये कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक फ्लेवर, स्ट्रिंग फ्लेवर, इफ फ्लेवर इक्वल इक्वल चिकन, तो टोटल में अब ऐड कर दे 20, फ्लेवर इक्वल इक्वल 20, तो टोटल में कर दे 40, वेजिटेबल है तो टोटल में 10, ठीक है, ये हो गया फ्लेवर का। अब हमें तीसरा बनाना था टॉपिंग, वॉइड एड टॉपिंग, इस तरह से टॉपिंग में क्या हो, जस्ट इसमें ऐड कर दे 12, ठीक है। अब मेथड के नेम देखे मैंने कैसे रखे, ये स्टार्ट स्मॉल से हो रहा है, नेक्स्ट जो भी वर्ड आ रहा है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ये भी, ये प्रोफेशनल तरीका नाम रखने का है मेथड, ठीक है। इसके बाद परचेज के मेथड पे हमें क्या करना है, अपनी एक रिसिप्ट शो करनी है, दिस डॉट साइज और दिस डॉट जो भी है, लेकिन ऊपर से पहले हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये साइज जो है इसका स्कोप यहां से यहां तक का है, नीचे परचेज में इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां तीन वेरिएबल ले लेते हैं हम, स्ट्रिंग के दो ले लेते हैं, स्ट्रिंग साइज और फ्लेवर, और एक नंबर ऑफ टॉपिंग्स, कितनी टॉपिंग ऐड की। जब जब ये मेथड कॉल हो नंबर ऑफ टॉपिंग्स में एक इंक्रीज हो जाए, ठीक। अब देखें यहां परचेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट करते हैं माय बर्गर शॉप, पहले साइज कर लेते हैं, दिस डॉट साइज, दिस डॉट फ्लेवर, टॉपिंग्स कितनी है टॉपिंग वो दे देते हैं, दिस डॉट नंबर ऑफ टॉपिंग्स, ठीक है। आखिर में बताना है कि टोटल कितना हुआ है आपको। अब टोटल में देखें, थोड़ी सी एक चीज और है कि यहां पे जो मैंने प्लस किया है ये 12 किया है, अब ये 12 प्लस नहीं होगा, 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। चल इसको अभी 12 ही रखता हूँ, फिर बताता हूँ बाद में क्यों नहीं, लास्ट में टोटल प्रिंट कर दूंगा। करके वालेकुम सलाम, टोटल इस तरह आ जाए, हाँ कल वाला देता ना वाला, कोई बात, ये प्रिंटिंग इस तरह हो जाए, ठीक है। एक चीज हमें इसमें देनी है, इसमें साथ साथ वैल्यूज भी असाइन करनी है, डॉट साइज इक्वल टू साइज
this dot they were equal to ठीक इसको कंपाइल करते हैं कंपाइल हो गई अब इसकी मेन क्लास बना बर्गर शॉप का ऑब्जेक्ट बनाया शॉप डॉट चूज साइज मीडियम कर दिया मैंने ठीक है शॉप डॉट चूज फ्लेवर वेजिटेबल कर दिया शॉप डॉट एड टॉपिंग कर दी शॉप डॉट परचेज कॉल कर दी सही है एक एक करके मेथड्स कॉल कर अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मैंने स्मॉल ये मीडियम और वेजिटेबल ऐड किया है इसमें साइज मीडियम फ्लेवर वेजिटेबल टोटल बिल 111 111 ही बनेंगे चेक कर लेते हैं मीडियम के पैसे हमने सेट किए थे फॉर 89 फ्लेवर मैंने चूज किया था वेजिटेबल 10 और टॉपिंग ऐड की थी 12 सही तो ये इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया ठीक है अब हमें क्या करना है साइज चूज करना है फ्लेवर चूज करना है टॉपिंग करनी है नहीं करनी हमारी चॉइस और वो आ जाएगा एक माइनर एरर है इसमें भी बल्कि एरर नहीं है वो रिजॉल्व हो जाएगा मैं टॉपिंग ऐड कर लो दो सही नंबर ऑफ टॉपिंग्स दो ऐड किए मैंने 12 रुपये और बढ़ गए ठीक है ये प्रॉपर बन गई फैसला अब ये जो शॉप है ना इसका ये पहला बर्गर है इसको हम नाम देते हैं बर्गर वन अब मैं एक और बर्गर परचेज करना चाहूं तो बर्गर टू नाम से एक और बर्गर परचेज कर सकता हूं बर्गर टू डॉट चूज साइज मैंने किया लार्ज चूज फ्लेवर किया इस बार मटन डॉट टॉपिंग कोई भी नहीं की मैंने बगैर टॉपिंग के चाहिए बर्गर टू को परचेज कर लिया दो बर्गर परचेज किए दो रिसीव प्रिंट होंगे मीडियम वेज टू लार्ज मटन जीरो टॉपिंग्स 189 ठीक है तो इस तरह जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे परचेज हो जाएंगे आप नहीं वो मुझे लग रहा था उसमें आएगा वो टॉपिंग्स में ना वो था नहीं सही था कोडिंग सही था मुझे लग रहा है टॉपिंग का हमें कुछ और भी करना पड़ेगा सही है ठीक है तो अब ये क्या हो गया है एक प्रोग्राम ऐसा बन गया है जिसमें आपके बर्गर्स परचेज हो रहे हैं अब इसमें मैंने किए दो बर्गर परचेज मैं चाहता हूं इसमें एक फैसिलिटी और ऐड करना कि पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है अभी तो यूजर से लेंगे हम इसमें जितने भी बर्गर यूजर परचेज करें ना जब मैं उसको कहूं कि नेट टोटल बताए तो मुझे बता दे मेरी शॉप ने कितने बर्गर सेल किए हैं मतलब उसका टोटल अमाउंट कितना बता ये बता दे ठीक है इसके लिए थोड़ी सी टेक्निक होगी क्या हमारी कि बर्गर वन बर्गर टू ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है काम ऑब्जेक्ट पे ही करना पड़ेगा हमें प्राइस वगैरह ऑब्जेक्ट पे लेने पड़ेंगे लेकिन
एक वेरिएबल यहां देना पड़ेगा बर्गर शॉप में के टोटल बर्गर्स या जो भी ना, हम नंबर ऑफ बर्गर्स ले लेते हैं या फिर हम इसमें ले लेते हैं नेट अमाउंट डायरेक्ट, नेट अमाउंट ठीक। यहां क्या करें, परचेज पे जो टोटल अमाउंट बन रहा है ना उसको नेट अमाउंट में प्लस कर, नेट अमाउंट प्लस इक्वल टू कि जब भी मैं परचेज कॉल करूं, फर्स्ट टाइम परचेज कॉल किया टोटल था 123, वो ऐड हो जाए नेट अमाउंट, फिर था 189, वो ऐड हो जाए नेट अमाउंट ठीक है। और आखिर में एक मेथड बना देता हूं मैं प्रिंट नेट अमाउंट, जो कि मेरा प्रिंट कर दे इस तरह से नेट अमाउंट, टोटल सेल्स दिस डॉट ठीक है। वहां से मैं कॉल करता हूं बर्गर टू डॉट क्या था प्रिंट नेट अमाउंट, देखिए इसको मैं करूंगा तो ये आया 123 का, ये आया 189 का, लेकिन नेट अमाउंट आ रहा है 189, जो कि 189 नहीं आना चाहिए, दोनों का सम आना चाहिए, लेकिन नेट अमाउंट क्या कर रहा है बर्गर टू की वजह से आ रहा है। हाँ बर्गर टू में इंफॉर्मेशन सिर्फ बर्गर टू की है, अगर मैं बर्गर वन से करता हूं तो इंफॉर्मेशन सिर्फ बर्गर वन की होगी, वो सिर्फ उसका अमाउंट बताएगा, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं। किसमें, इसमें यहां पे, यहां साइज हम भले ना लगाएं लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, पहली दफा ऑब्जेक्ट के पास पहले बर्गर की इंफॉर्मेशन है सिर्फ, दूसरे के पास सिर्फ उसकी, क्योंकि कॉपीज मिलती है ना ऑब्जेक्ट की, अपनी अपनी कॉपी उनके पास मौजूद है, तो ये नेट अमाउंट भी अपनी कॉपी का बता रहे हैं जो मौजूद है उसका बता रहे, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं सबका बताए। ऐसा होगा ना, ऐसा होगा जिसके पास सबका डेटा मौजूद है, मेथड में इस तरह हो ठीक है। हमें ये वेरिएबल ऐसा चाहिए जिसके पास सबकी इंफॉर्मेशन, तो हर कॉपी के पास अपनी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन एक वेरिएबल ऐसा होता है जो कॉपीज पे डिपेंड नहीं करता है, जिसकी इंफॉर्मेशन सेट करते हैं सबके लिए सेम हो जाती है, याद है कि अगर मैं इंफॉर्मेशन उसकी चेंज कर दूं तो जो भी ऑब्जेक्ट है सबके लिए चेंज हो जाएगी, याद करें कौन सा था, स्टैटिक, कि अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं और अब मैं इसको यहां पे कॉल करता हूं स्टैटिक को, स्टैटिक कॉल होता है क्लास के नेम के साथ बर्गर शॉप डॉट, यहां पे बर्गर शॉप, अब पूरी क्लास होगा, अब देखते हैं अब क्या आता है ना। अब यहाँ पे यहाँ कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ फिलहाल मैं, तो एक डॉट दो दफा लग गया गलती से ठीक है। अब आपका जो आउटपुट आता है वो क्या आया 3-1 दोनों का मिला। अब यहाँ पे आप कॉल जो है ना भले इससे कर लें या डायरेक्ट कर लें, यहाँ पे भी डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से कॉल कर लें नेट अमाउंट वाले को, या फिर नेट अमाउंट वाले को भी हम स्टैटिक कर देते हैं स्टैटिक वॉइड,
ताकि इसको डायरेक्ट कॉल कर सके, इसको डायरेक्ट कॉल करके भी देख लें। प्रिंट नेट अमाउंट सही है। अब जितने बर्गर्स परचेज करेंगे ना तो ये आखिर में बता देगा टोटल अमाउंट कितना। मैंने सर ये स्टडी जो है आपने पूरे मेथड्स को ऑब्जेक्ट में भेज देगा। हाँ मतलब वो बिल्कुल देखें बर्गर वन जो है उसने जब परचेज किया तो स्टैटिक वेरिएबल में प्लस करा, बर्गर टू ने भी स्टैटिक में प्लस किया। स्टैटिक क्या है, वो सबके एक ही रहता है, उसमें जो आए चेंजिंग कर लो। तो इस वजह से हमारे पास टोटल इतना आ रहा है। अब इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि यहां पे इस तरह परचेजिंग करते हैं कि ये लेते हैं इनपुट यूजर से। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं हम, ये बिल्कुल मैं रिमूव करके यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये स्कैनर बनाएंगे, पहली चीज हमारे पास है साइज। अगर मैं यहां प्रिंट करता हूं कि एंटर साइज, तो हम स्ट्रिंग साइज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन इसमें ले सकते। इसमें क्या होता है अगर लाइन बाय लाइन मैं इसको एक्सप्लेन करूं, पहले जैसे मैंने किया था, फर्ज करें यहां मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूं, जस्ट ऐसे प्रिंट कर लो फिलहाल। तो अभी क्या होगा इसमें कि ये रन होगा और रन होने के बाद ये एंटर साइज और हेलो दो चीजें प्रिंट कर देगा। प्रिंट एलेंट नहीं लिखा इसलिए इस तरह का रन, दो चीजें ये प्रिंट कर देगा। मैं चाह रहा हूं ये प्रिंटिंग के दरमियान में इस लाइन पे आके प्रोग्राम रुक जाए और कुछ इनपुट ले, तो उसके लिए ये स्कैनर का मेथड है नेक्स्ट। किस टाइप का इनपुट ले, नंबर के लिए इंटीजर है, इंट, स्ट्रिंग के लिए लाइन है, डबल के लिए डबल है, फ्लोट के लिए फ्लोट है, तो हम करते थे नेक्स्ट लाइन के स्ट्रिंग टाइप का इनपुट। इस लाइन की वजह से क्या होगा, ये प्रोग्राम आपका रुक जाएगा साइज प्रिंट करने के बाद। इस लाइन पर आकर रुक गया तो मुझे कुछ इनपुट दो आप, तो मैंने इनपुट में कुछ भी लिखा, ओके किया, फिर ही हेलो प्रिंट होगा, फिर ही आगे जाएगा। लेकिन इसने जो इनपुट दिया ना मुझे, वो मैंने कहीं सेव करके नहीं रखा, उसको मैं सेव करना चाहूं तो यहां पे किसी वेरिएबल में सेव कर सकता, क्योंकि ये लाइन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है। नेक्स्ट एंड करता तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता, अब ये साइज में सेव हो जाएगा। यहां पे मैंने साइज दिया कोई भी मीडियम, तो मीडियम जाके साइज वेरिएबल में सेव हो। तो हम इसको हेलो को उठाते हैं, पहले हम उससे साइज मालूम करते हैं, फिर हम करते हैं उससे मालूम एंटर फ्लेवर स्ट्रिंग फ्लेवर इक्वल टू नेक्स्ट लाइन प्रिंट करें। इसमें हम अभी फिलहाल इस तरह पूछ रहे हैं, डू यू वॉन्ट टू एड टॉपिंग, वन फॉर यस जीरो फॉर नो। क्या रहा, वन ऐड करते हो इसका मतलब आप यस कह रहे हो, जीरो ऐड करते हो आप नो कह रहे हो। इसको मैं इंटीजर में रख लेता हूँ, टॉपिंग इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, क्योंकि वन और जीरो ले रहा हूँ बस, ठीक है। अब नीचे हम बर्गर शॉप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बर्गर वन इक्वल टू यहाँ बर्गर शॉप
बर्गर वन डॉट चूज साइज, साइज के ऊपर वेरिएबल लिए, बर्गर वन डॉट चूज फ्लेवर, फ्लेवर वन डॉट, अब एड टॉपिंग जो है ना ये करनी है नहीं करनी, यहाँ पे यहाँ क्या होगा, हमने जीरो या वन लिया था, तो इफ टॉपिंग इक्वल इक्वल जीरो तो ना करें, वन है तो एड टॉपिंग करें, अगर यूजर ने वन सेलेक्ट किया, ये कंडीशन बेस्ड होगा, कंडीशन यहाँ, क्योंकि इस टॉपिंग में जो दिया ना वो यही, उस क्लास में हम कंडीशंस वगैरह कुछ भी ऐसी नहीं रखेंगे चीज, क्योंकि कंडीशन ऐसी है किसी के लिए हाँ किसी के लिए ना, जिस जो चीज अलग अलग होती है ना वो यहाँ रखेंगे, यूजर से जो लेते हैं, फिर अगर आप परचेज करते हैं उसको ऊपर से इसके नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं इस क्लास का, ऑब्जेक्ट इस क्लास का, देखो यहाँ तक इस लाइन तक यूजर, इस लाइन तक तो यूजर से इनपुट हुआ ऊपर तक, नीचे हम अपनी क्लास यूज कर रहे हैं और उसको वैल्यूज दे रहे हैं, वो वैल्यूज कौन सी जो हमने यूजर से ली है, नहीं ये जो वेरिएबल है ना साइज, ये उस क्लास के, उस क्लास का तो मैंने कॉल ही नहीं किया ना, कॉल तो मैंने मेथड्स की, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर ऊपर करना, इस तरह ले लेता हूँ, इस तरह ले लेता हूँ और कन्फ्यूजन ना हो, देखो मैं इस तरह कर लेता हूँ, यूजर फ्लेवर और यूजर टॉपिक, नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ सेम नाम, और यहाँ पे हम इस तरह दे देते हैं यूजर साइज, यूजर फ्लेवर, हाँ ये तो आपने उस क्लास का करवाया, बिल्कुल स्कैनर का बनाया, इस क्लास पे जो भी वेरिएबल करवाया है, तो ऑब्जेक्ट आपने पहले क्यों नहीं इनिशियलाइज करवाया, पहले क्यों बात नहीं, बात नहीं क्यों किया, देखो मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना उसके बाद मैं कर क्या रहा हूं, उसको साइज दे रहा हूं, यही कर रहा हूं ना, या चूज साइज कर रहा हूं, चूज साइज दे रहे हैं, वो वहां से कॉल कर रहा है, वहां से कर रहा हूं, क्लास में इसी किसी ने ऊपर आपने जॉइंट किया वो नीचे, नीचे कैसे हुआ, देखो चूज साइज में दे क्या रहा हूं उसको साथ में यूजर इनपुट, तो यूजर ने जो साइज दिया है अब ये मैं जब दूंगा ना, यूजर ने दे दिया है मुझे, उससे पहले तो मैं नहीं दे सकता, यूजर से मैं इस लाइन पे ले रहा हूं, जब यूजर मुझे दे देगा साइज तब मैं इसको बना सकता हूं इस डेटा के बिना में, जब मेरे पास डेटा कलेक्शन हो गई यहां तक, बात ये समझ रहे हैं कि यूजर ऊपर स्कैनर, स्कैनर तो वहां पर उस क्लास को कॉल करना ही नहीं, स्कैनर उसको नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, स्कैनर क्या कर रहा है, देखो स्कैनर सिर्फ डेटा जमा कर रहा है अपने पास, डेटा जमा कर रहा है बस, और कोई काम जो भी जमा कर रहे हैं, वो जो जमा किया है ना ये क्लास क्या कर रही है, उस जमा शुदा डेटा को पास कर रही है आगे, स्कैनर का काम सिर्फ जमा करके खत्म हो गया, फिर हम नीचे कर रहे हैं जमा किया था उसने वेरिएबल्स में, वो आगे उसको दे रहे हैं, सही है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, साइज पूछेगा पहले मुझसे, मैंने दिया स्मॉल, फ्लेवर पूछेगा मैंने दे दिया चिकन, टॉपिंग ऐड करनी या नहीं करनी, मैंने दी वन, मतलब वन का मतलब है करनी है, बिल क्या बना मेरा, साइज स्मॉल, फ्लेवर चिकन, टॉपिंग वन, परचेस में कुछ मिस्टेक हो गई हमारी, सही है बताता हूँ क्या मिस्टेक, ठीक है परचेज में आया फिलहाल 12, एक चीज का हम ख्याल रखेंगे कि इसके अंदर हम इक्वल इक्वल की जगह डॉट इक्वल्स यूज करें, ये मैंने स्कैनर करते हुए पढ़ाया था, ठीक है, या फिर इसको इस तरह कर लेंगे फिलहाल जब तक हम स्ट्रिंग पे नहीं आते कि इसकी जगह स्विच केस यूज कर लेते, जो मैंने अभी करके दिखाया था स्विच केस, केस की जगह फिलहाल स्विच केस कर लेते, ये पूरा डेटा जो है मैं ऊपर वाला प्लस 89 स्विच केस में क्यों कर रहा हूँ, रीजन बताता हूँ आपको, इसमें जो है ना ये होता है
कि जो मैंने इक्वल इक्वल लगाया ना, कि इंटीजर के साथ तो बहुत अच्छा चलता है, स्ट्रिंग के साथ मसला करता है। उसका रीजन ये है कि आगे जाके जब स्ट्रिंग क्लास पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसकी जगह पे हम यूज करते हैं बकायदे इस तरह लिख के इक्वल्स, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका रीजन बैक एंड पे जो है वो उस पर जब मैं करेंगे उस पर डिटेल एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है। अभी फिलहाल आप इसको स्ट्रिंग मैचिंग के लिए स्विच केस यूज कर लें, सही है, इसको भी स्विच केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्विच फ्लेवर इस चिकन टोटल में बी सेट कर ले, एस बी टोटल में सेट कर ले, टोटल में 60 एड कर ले, ये दो चेंजिंग की। अब हम यहां से परचेजिंग करते हैं, साइज में देता हूं लार्ज बीफ, टॉपिंग जीरो, टॉपिंग अब ऐड नहीं कर रहा, ये लार्ज बीफ टोटल 169, सही है। तो इस तरह से आप यूजर इनपुट लेके इसको कर सकते, क्लियर। ये बीच में एक सेपरेशन के लिए मैंने लगा दी थी लाइन ऐसे ही। जावा में अगर कोई लाइन होती है ना, जैसे ये लाइन है, अगर मैं चाहता हूँ इसको कोई कंपाइलर ना पढ़े तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। इसका मतलब होता है ये लाइन आप ना पढ़ो, जावा नहीं पढ़ेगा इस लाइन, अगर मैं दो दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश लगाया, ये कहलाते हैं कमेंट्स, ठीक है, कमेंट करते हैं हमने लाइन। जावा में 4-5 है कम है, सी प्लस प्लस में ज़्यादा है, हो सकता है आप सी प्लस प्लस की यूज़ कर रहे हो, हाँ कुछ इसमें नहीं करें, जावा के कम है, एन है टी है दो है और डबल कोटेशन टी है, बैक स्लैश टी, ये वाला नहीं, ये वाला लग रही है, सही है, हो सकता है ये लग रहा हूँ, यही है स्लैश एन, एलएन की जगह नहीं, अंदर डबल क्वेश्चन अभी लैब में करके दिखाना मुझे, तो ये पहले हटा दी, मैंने सेपरेट करने के लिए लिखा था कि ऊपर कोडिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मैंने सिर्फ ऐसे ही ऊपर नीचे कोडिंग अलग अलग करने के लिए, ऊपर यूजर इनपुट ले रहा हूँ मैं, नीचे ही है, कोई उसका लाजमी नहीं। आपने जैसे पहले हेलो वाला फॉर्म बनाया यूजर इनपुट पे, तो मींस कोई एक एक लाइन में लिखी है उसके बाद यूजर इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं दे रहे तो हम एक्सेप्शन दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूजर इनपुट जब हम लेते हैं ना तो यूजर इनपुट उसमें चाहिए होता है उसको, अगर हम उसमें एम्प्टी देंगे या गलत देंगे कि आपको नेक्स्ट इंट कॉल की और आप आगे से एबीसीडी लिख दो तब भी एक्सेप्शन आ जाए। अगर आप नहीं फिर नहीं करेगा, देखो अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ये मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, यहाँ से मैंने साइज दे दिया एक्सेल, इसकी डेफिनेशन ही पीछे मौजूद नहीं है मेरे पास ना, फ्लेवर मैंने दे दिया कोई भी ए बी सी, और ये दे दिया मैंने 3 जिसकी डेफिनेशन नहीं है, तो देखो साइज एक्सेल आ गया, लेकिन उसकी प्राइस तो पीछे थी नहीं कोई, तो उसकी प्राइस 0 है, ए बी सी की प्राइस पीछे नहीं उसकी 0 है। हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पर डिफॉल्ट लगा सकते हैं या फिर यहीं पर ही उसको वैलिडेट करेंगे कि अगर कोई गलत आ जाए तो उस पर एरर होता है, प्लीज चूज द करेक्ट साइज या प्लीज चूज द करेक्ट फ्लेवर, वो कर सकते हैं इफ कंडीशंस लगा के। अभी फिलहाल जितना हमने पढ़ा ना इसमें तो हमने यही सीखा है कि अभी करने पड़ेंगे, लेकिन अब जो हमारे पास आगे टॉपिक आएगा स्ट्रिंग्स का, उसमें मेथड्स मौजूद होते हैं कि यूजर से कोई भी इनपुट लो वो सब चल जाता है, जैसे आप फेसबुक पे यूजर नेम को भी एंटर करते हो तो कभी कैपिटल करो जब भी लॉगिन होगा, स्मॉल करो तब भी होगा, पासवर्ड के अलावा यूजर नेम जैसे भी तो लॉगिन हो जाएगा,
तो वो इसी तरह हम करते हैं उसको अपने मुताबिक चेक करेंगे उसको, वो स्ट्रिंग क्लास में देखेंगे। सही। अब इसके अंदर ये प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल चल रहा है कि यहाँ पे मैं साइज दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वन दे रहा हूँ, ये काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर ये एक ही बर्गर परचेज हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ सर आना प्रोग्राम फिर से चल जाए, परचेज करने का पूछे मुझसे कि और चाहिए नहीं, लूप सभी पढ़े नहीं हमने, सही है, जितना पढ़ा उसमें अगर कुछ करें हम, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये जो टोटल काम है ना ये पूरा उठा के एक मेथड के अंदर रख देते हैं, एक क्लास बना लेते हैं बीच में, कोई भी क्लास के यहाँ पे वो भी शॉप की क्लास, ये बना लेते हैं रिटेलर की क्लास किसी भी नाम से, इसमें बना लेते हैं पब्लिक वाइड परचेज मी बर्गर, ठीक है। आपने मेथड बनाया, ये मेथड बनाया मैंने, और ये मेन क्लास को ये कॉल में कर लेता हूँ, कोड रख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। यहां से रिटेलर का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लेते हैं आर डॉट परचेज मी। अब ये काम तीन हिस्सों में टूट गया, काम अभी वही होगा, तीन हिस्सों में टूट गया, ठीक है। ये क्लास आप इनपुट वगैरह ले रहा है, जो भी कर रही है, जहाँ पे इसको है। अब ये मेन हम चलाएंगे, अब ये काम वही होगा हमारा बिल्कुल सेम, ये फ्लेवर इसमें अभी तक तो काम सेम हो रहा है हमारा। इस क्लास में क्या करेंगे हम, इसमें एक चीज करेंगे, परचेज करने के बाद यहाँ पे मालूम करेंगे यूजर से, एक इनपुट में और ले रहा हूँ ये, मैं एक नया स्कैनर बना रहा हूँ। देखो नया स्कैनर बनाने की वजह क्या है, जावा में पहले मैंने लिया साइज स्ट्रिंग में, फिर लिया फ्लेवर स्ट्रिंग में, फिर टॉपिंग लिए नंबर में। जावा 8 में एक मसला ये है कि अगर आप स्ट्रिंग में इनपुट लेते हुए आके नंबर में लोगे ना, उसके बाद फिर स्ट्रिंग में लोगे, तो ये खराब हो जाता है, ये इसमें मसला है, ये बग है, ये रिपोर्ट वगैरह हो चुका है, और हो सकता है नए अपडेट में सही हो गया हो, 9 जो आ रहा है ना उसमें सही हो गया होगा ये। तो सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग के लिए अलग और नंबर्स के लिए अलग स्कैनर बना, दोनों अलग अलग। तो मैं दो स्कैनर बना देता हूँ, ऊपर SC1 और SC2। ये SC1 कर देते हैं ना स्ट्रिंग के लिए, इसको SC2 कर। नहीं इसमें प्रॉब्लम करेगा अगर आप, नहीं नहीं खुद नहीं होगा, वो नेटविंग्स में हो जाते हैं, नोटपैड पे नहीं होगा। अगर मुझे मुझे यहाँ टू लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट का नाम तो देना पड़ेगा, नहीं नहीं इसको अगर मैं नाम नहीं दूंगा तो पूछेगा SC क्या है, तो नाम देना पड़ेगा ना कौन सा स्कैनर, पर नहीं पूछेगा SC क्या है, SC नाम का तो कोई है भी नहीं। तो अब मैं एक और यूजर से इनपुट यहाँ पे ले रहा हूँ, जब ये सारा इनपुट हो जाए ना, अभी ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम चला रहे थे, स्मॉल वेज 1 अभी चल रहा है। अब मैं यूजर से एक इनपुट ले रहा हूँ, डू यू वॉन्ट टू परचेज मोर बर्गर्स 1 यस 0, ठीक है। स्कैनर हम एक ही ले लेते हैं, नीचे में नंबर से इनपुट लेगा, एक ही पे काम करता है कि नंबर ही ले लेते हैं। जब ये इंटीजर रिजल्ट या क्वेश्चन किसी में भी रख लेते हैं इसको,
equal to sc dot next. एक इनपुट लिया है, ये क्या करेगा कि आपका साइज में दिया स्मॉल, फ्लेवर दिया वेजिटेबल, टॉपिंग यस, प्रिंट करने के बाद मुझसे पूछेगा यस या नो, ठीक है, मैंने कोई भी दिया यस नो या नो, अभी कोई काम नहीं हो रहा आगे, अभी प्रोग्राम बंद है। हमें क्या करना है, इसको कंडीशन में रखना है क्वेश्चन, अगर यूजर ने यस दिया है तो इस मेथड को फिर से कॉल कर दे, एल्स अगर यूजर ने नो दिया है, इसका मतलब उसकी परचेजिंग पूरी हो गई, तो नेट अमाउंट प्रिंट कर दे जो हमने वहां पे बनाया था, प्रिंट नेट अमाउंट। देखिए मैंने स्मॉल साइज दिया, वेजिटेबल, टॉपिंग यस, ओके। अब ये पूछ रहा आपको और बर्गर चाहिए, मैंने कहा वन, यस मुझे और चाहिए। अब साइज पूछ रहा है कौन सा चाहिए, मैंने कहा मीडियम चाहिए बीफ में, टॉपिंग नहीं, टॉपिंग नहीं ले रहे, ये सेकंड बर्गर की लिस्ट है अभी, ठीक है। अब पूछ रहा और चाहिए, मैंने कहा वन, यस और चाहिए, स्मॉल में, फ्लेवर चिकन में, टॉपिंग यस 81, ये थर्ड बर्गर की। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, और मजीद नहीं चाहिए, उसने टोटल सेल नेट अमाउंट दे दिया 281, तीनों मेरे बने 281। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि आप जितने चाहे बर्गर से परचेज कर सकते। अभी इसमें डेटा भी सेव नहीं हो रहा है डेटाबेस वगैरह में, लेकिन ये एक शॉप पे चल सकता है कि अगर मैं सुबह चलाऊं और चलाता हूँ रात में सेल बता दे आखिरी कैलकुलेटर की तरह, है ना, सिर्फ सेल बता रहा है, और एनहेंसमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ बर्गर भी बता देगा, ये भी बता देगा कितने कौन से बर्गर बिके हैं, मीडियम बीफ कितने बिके हैं और ये कितने हुए हैं, इसी पर बस वेरिएबल्स बनते रहेंगे ऊपर यहाँ पर। हाँ, ये जो तीन क्लास बनाई है ना मैंने, बनेंगे तीन क्लास, ये दो बैक एंड सपोर्ट के लिए, एक में भी हो सकता है लेकिन थोड़ा घिचपिच हो जाएगा, आप लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा, इसको मैं एक क्लास में करूंगा, इस तरह स्विंग करते जाएंगे प्रोग्राम्स को हमारे। एक क्लास में जैसे ही समझ में आ रहा है, जैसे कम एक्सेप्टेबल, हाँ हाँ, अगर आप समझ आ रहा है तो एक में कर लो, ज्यादा क्लासेस बनाएंगे तो उसकी मेमोरी एक्सटेंड नहीं, ज्यादा क्लासेस से जो है ना आपका एफिशिएंट बनता है प्रोग्राम। अभी क्या हो रहा है इसमें, अगर मैं एक में करूँगा ना, रिटेलर भी चल रहा है, बर्गर सब कुछ चल रहा होगा, अलग अलग में क्या है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ वही चल रहा है, मैं अपने जिस क्लास को मैं यूज़ कर रहा हूँ वही चल रही है, ये होता है फायदा, मेमोरी इशू नहीं, बग्स वगैरह इसमें कम हो जाते हैं और पकड़ने में आसानी रहती है, जा रहा है वहीं जाते हैं, तो कोड डिस्ट्रीब्यूट करने से हमेशा आसानी रहती है, ठीक है। तो ये अब इस तरह हो जाएगा, कोई प्रोग्राम इस तरह दूंगा तो